विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर में एक दिन की हड़ताल की। बता दें, इस हड़ताल से पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के कई तरह के काम प्रभावित हुए। इसी के साथ बताया जा रहा है कि कंपनी का निजीकरण हो रहा है, वहीं पेंशन में भी कई तरह की विसंगतियां हैं। उसको लेकर कई बार सरकार से बात की, लेकिन उसके बाद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों को पूर्ति नहीं की जा रही है। अतः इन्हीं सब बातों को लेकर पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के तकरीबन 5,000 अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर हैं। और यदि इस हड़ताल का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसका जो है विरोध करने के लिए सभी कर्मचारी जो है सड़क पर आ गए हैं, कर्मचारी अधिकारी। और जो सरकार अगर नीतियां ये लाने का प्रयास करती है और इसको लागू करती है, प्राइवेटाइजेशन में देने का प्रयास करती है पावर सेक्टर को, तो आज जो है समस्त पश्चिम क्षेत्र कंपनी और पूरे देश भर में जो समस्त ट्रेड यूनियन है वो सड़क पर आकर आंदोलन कर रही हैं। निश्चित ही इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध। हड़ताल में तकरीबन जो है वो 6,000 से 7,000 कर्मचारी जो है आज इंदौर पूरे और पेंशन और संविदा कर्मचारी, संविदा भर्ती और ठेका प्रथा, इन सभी के विरोध में जो है एक दिनी जो है कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। और आगे अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।